इंदौर के चंदन नगर थाने में फरियादी मोहम्मद यूनुस द्वारा अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया गया, जिसमें घर का ताला तोड़ जेवरात चोरी करने की घटना का जिक्र था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे और नगर पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने चंदन नगर थाना प्रभारी योगेश सिंह तोमर को जल्द पूरी घटना की जाँच कर खुलासा करने की बात कही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पूरी घटना का खुलासा किया। आरोपी मोहम्मद सईद चंदन नगर का ही रहने वाला है, जिसके पास से करीब 1.5 लाख के चोरी के आभूषण बरामद किए गए हैं। उक्त आरोपी से चोरी के आभूषण खरीदने वाले सुरेश पिता बसंत को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि जावरा जिला रतलाम का रहने वाला है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदन नगर, निरीक्षक योगेश सिंह तोमर, उप निरीक्षक राजू डाबर, प्रधान आरक्षक राजभान, आरक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, आरक्षक कमलेश चावड़ा, आरक्षक अभिषेक, आरक्षक संतोष प्रजापत आदि की सराहनीय भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स, इंदौर। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।